विश्व आदिवासी दिवस, अस्तित्व की लड़ाई। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। 22 साल पहले झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही उम्मीद जगी थी कि राज्य में रह रहे आदिवासियों पर सरकार ध्यान देगी, लेकिन 22 साल के बाद भी सूबे के आदिवासी आज भी हाशिए पर हैं। विकास उनसे कोसों दूर है। भले ही हेमंत सरकार जोर शोर से विश्व आदिवासी दिवस पर भव्य कार्यक्रम कर रही हो, लेकिन आदिवासियों की असलियत कुछ और ही है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से 28 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने वाला आदिवासी समाज दिन पर दिन झारखंड में सिमटता जा रहा है। विकास की दौड़ में कोसों दूर होता जा रहा है। जिस संताल क्षेत्र में हेमंत सोरेन की पार्टी ने परचम लहराया था, वो क्षेत्र आज भी पिछड़ा है। यानी आदिवासियों के नाम पर भव्य कार्यक्रम करने वाली हेमंत सरकार आदिवासियों की असली तस्वीर दिखाने से डरती है, क्योंकि 22 साल में राज्य में 5 मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आए, लेकिन आदिवासियों का भला नहीं हो पाया। ऐसे में आज झारखंड में आदिवासी समाज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और पार्टियों को सियासत से फुर्सत ही नहीं है। पहले आपको सुनाते हैं इस पर्यवेक्षण किसके क्या कुछ आए हैं, क्या प्रतिक्रिया किसने दी है, उसके बाद करेंगे इस पर अगले आधे घंटे चर्चा। रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनका जो जल जंगल जमीन छीना जाता है, और इसको बचाने का हम सभी लोगों को आज संकल्प लेने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से राज निर्माण हुआ, कहीं ना कहीं कसक रही गई है। जनजातीय समुदाय भरा पड़ा है विश्व के पटल पर। भारत देश अंतर्गत झारखंड भी एक ऐसा प्रदेश है जहाँ जनजातीय समाज भारी संख्या में रहते हैं, जल जंगल और जमीन से जुड़े हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इसको यदि आप विकास के रूप में देखते हैं, तो ये बात सही है कि हमारा जनजातीय समुदाय आज भी पूरा विकसित नहीं हुआ है। तो विश्व आदिवासी दिवस है, अस्तित्व की लड़ाई है, और कितना किसने ध्यान दिया, सरकारें आई गई, लेकिन ये जो समाज है, इस समाज पर कितना किस नेता ने किस पार्टी ने ध्यान दिया, अगर ध्यान दिया होता तो क्या आज ये स्थिति होती, इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीनारायण तिवारी जी हैं कांग्रेस पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। सरोज सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है सरोज जी आपका। सुशांतो मुखर्जी नेता मासस के, सुशांतो जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मीनारायण तिवारी जी आपसे मैं शुरुआत करता हूँ। 22 साल कम नहीं होते हैं, और इन 22 सालों में आपको लगता है कि जो तस्वीर और तकदीर आदिवासियों की बदलनी चाहिए थी, आज इस आदिवासी दिवस पर हमको चर्चा नहीं करनी पड़ती, अगर वाकई में इस वर्ग के लिए सरकारें काम करती तो? सर, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आपने एक बात कह दी अपने संबोधन के सिलसिले में, ये मुख्यमंत्री इस राज्य को मिले। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप 5 आदिवासी तो कह दिया, आप ये भी बता दीजिए कि कितने साल बीजेपी के आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, ये भी क्लियर होना चाहिए, ताकि आदिवासियों के हितैषी, जो आदिवासियों के हितैषी राष्ट्रपति बनाते हैं तो कहते हैं हम आदिवासी को बना रहे हैं, महिला को उपराष्ट्रपति बनाते हैं, प्रधानमंत्री और विभिन्न पदों पर खूब एकदम कहते हैं कि मैं तो बहुत आदिवासी का हितैषी। मैं निवेदन करूंगा आपसे, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। तो आपको आदिवासी शब्द से इतनी 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 नफरत क्यों है तिवारी जी? ना, हमको नफरत नहीं है। फिर मैंने कहा आपको कि मैंने कैलकुलेट नहीं किया कि कितने साल कितने महीना और कितने दिन बीजेपी नेतृत्व। नहीं, मैं तो सभी के लिए कह रहा हूं, मैंने किसी पार्टी का तो नाम लिया नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि 22 साल में अगर तस्वीर बदलने की इच्छा शक्ति होती, देखिए देखिए मुझको कहने दीजिए, तो आज ये चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती तिवारी जी। सुनिए सुनिए, जो प्रश्न आपने किए उत्तर देने दीजिए, तब क्लियर होगा। मैं ये कह रहा हूं, आखिर राजनीति राजनीतिक पार्टियां राजनीति क्यों करती है, और सत्ता के माध्यम से हम लोगों को विकास दें, लोगों को सुख सुविधा मुहैया कराएं,
तो बीजेपी कितने दिनों यहाँ के कांग्रेस यहाँ के सरकारों का नेतृत्व किया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बताएं, क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो तुरंत किस चीज शुरू होगा, इन्होंने इतना साल तो बीजेपी रहा नहीं। आप कैलकुलेट करके कह देंगे 5 मुख्यमंत्री आदिवासी रहे हैं, कितने दिन बीजेपी रहा, ज्यादा जिम्मेदार बीजेपी है इस परिस्थिति के, जो आदिवासियों की स्थिति अभी तक इतनी जहां पहुंची नहीं चाहिए थे नहीं पहुंची, नीचे खड़ी है। मैं निवेदन करता हूं कि ये भी आप क्लियर कर दें। दूसरे हमारे जो साथी बैठे हैं आदरणीय सुशांतो जी, सरोज जी, इनके कुछ बोलने के पहले आप बोल देते तो मुझे लगता कि इस पर विवाद नहीं होगा। कोई बोलेगा कि बीजेपी इतना दिन रहा, तुरंत बीजेपी के लोग कहेंगे ना नहीं। इसको तिवारी जी, मैंने शुरू में कहा ना, मैं किसी पार्टी से इसको नहीं जोड़ रहा हूँ आज। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई 20-22 साल कम नहीं होते हैं, मैंने सिर्फ ये प्रश्न उठाया था। अब मैं सरोज जी आपके पास आता हूँ, तिवारी जी का जवाब मैं आपसे ले लेता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के लोगों को बताना चाहता हूँ कि खिलवाड़ हुआ है, आदिवासियों के नाम पर लूट हुई है और आदिवासी के रहन सहन का स्तर ऊंचा नहीं उठाया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरोज जी, हाँ बताया जाए सर, बताइए। तिवारी जी ने सवाल पूछा आपसे और मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आदिवासियों के हितों की हक की बात करते हैं आप लोग, सरकार तो आपकी भी रही है ना, थोड़ा कंपेयर करके बताइए कि आपने क्या किया और कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने क्या किया। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि अलग राज्य का निर्माण जब हुआ था तो उसको ध्यान में रख के, उसको केंद्र बिंदु में रखकर के इस बात को कि आदिवासियों के हित के लिए, आदिवासियों की बहुलता वाला ये राज्य है और उनके विकास के लिए छोटा राज्य जो है जब होगा और उनका विकास का बागडोर उनके हाथ में होगा, वहीं पर होगा तो विकास होगा। और इसको लेकर के जब अटल जी की सरकार थी तो अलग राज्य का निर्माण 2000 में जो है झारखंड को किया गया और आदिवासी के केंद्र बिंदु में रख करके ही किया गया, आदिवासी हो या जनजातीय हो। और ये बात सही है कि जितना मैं स्वीकार करता हूँ कि जितना उनकी तरक्की होनी चाहिए उतनी तरक्की आज नहीं हुई है आज जो है, लेकिन इसको आप ऐसा भी नहीं मान सकते कि आज उनके विकास के रफ्तार जो है उनका ठीक है धीमा जरूर रहा है लेकिन एकदम विकास नहीं हुआ है या उनका जीवन स्तर आगे नहीं बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। पढ़ा है लेकिन जिस तेजी से होना चाहिए, जितना होना चाहिए आज हम नहीं कर पाए, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जहाँ से चले थे वहीं पर है। अरे बात सही है कि विकास के जो काम हो रहे हैं, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पुल पुलिया हो, चाहे एयरपोर्ट हो या और भी विकास के कई कई योजनाएं हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इसका निर्माण हो रहा है तो राज्य में इन सब विकास हो रहा है तो उसके साथ साथ वो भी विकास जुड़ा हुआ है, उनके लिए भी यूज हो रहा है, उनके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और इससे उनका भी जीवन स्तर उठ रहा है। ऐसा नहीं कि इन सब चीजों को उनकी जरूरत नहीं। आज गांव में जब अलग राज्य का निर्माण हुआ था उससे पहले गांव में बिजली नहीं थी, कोई बिजली देखा नहीं था, गांव में सड़क नहीं थी, आज गांव गांव सड़क पुल पुलिया बिजली पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो आदिवासी है, मूलवासी है, चाहे जो भी लोग है गाँव में, तो सबको उसका लाभ हो रहा है। और ऐसा नहीं है, ठीक है बात सही है कि जितना तेजी से उनका विकास होना चाहिए नहीं हो पाया है अन्यों की अपेक्षा, तो उनका विकास में हम स्वीकार करते हैं कि आज भी वो पीछे हैं, लेकिन आप ये पहले तो ये नहीं कह सकते हैं कि उनका विकास में एकदम विकास नहीं हुआ है। रही सवाल तो जो यहाँ पर आप पॉलिटिकल भाषा बोल रहे थे तिवारी जी, मैं पॉलिटिकल भाषा नहीं बोलना चाहता हूँ आज के दिन जो डिबेट में, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि जितना होना चाहिए था विकास उतना नहीं हुआ और इसको सबसे मिट्टी के काम कर रहे थे। और खासकर जब भारतीय जनता पार्टी ने जब से यहाँ पर शासन अलग राज्य के निर्माण से लेकर और शासन में मैक्सिमम समय रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना हो सका है ये बढ़ चढ़ करके उनके विकास में के लिए आगे काम किया है। इसमें कहीं तो मत नहीं, अगर गिनवा कई ऐसे काम है कि मैं आपको गिनवाने यहाँ नहीं लगूं, लेकिन ये बात सही है कि जितना काम होना चाहिए नहीं हुआ है और भी होना चाहिए था, इसको स्वीकार करते हैं और उनका विकास
और होना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही हुआ है। बागा की जो आदिवासी के नाम पर जो यहाँ पर बने हैं मुख्यमंत्री, आदिवासी के जो रहनुमा बन रहे हैं अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री, जो उन्होंने क्या क्या किया जाए इससे तिवारी जिसे पूछिए, उन्होंने तो आदिवासियों का जमीन कब्जा करने का काम किया, कितने जमीन डीड में लिखवाए हैं, किनका जमीन उन्होंने लिया है। हमारे भाजपा के किसी मुख्यमंत्री ने एक कट्ठा भी जमीन किसी आदिवासी का नहीं लिखवाया, लेकिन ये कितने डीड लिखवा के रखे हैं, उन आदिवासियों का ही जमीन लिखवा के रखे हैं, तो वो क्या विकास करेंगे आप समझ सकते हैं। इसलिए ये लोग जो आरोप लगाते हैं इन लोग को अपने गिरवान में झांकना चाहिए। हाँ ये बात सही है कि विकास की गति में और उनको आगे बढ़ना चाहिए और पार्टी पूरा उनका उनके विकास के प्रति उनके सम्मान के प्रति पूरा कृतसंकल्प। ठीक है तिवारी जी, जवाब लूंगा, पहले सुशांतो जी को जोड़ लें। सुशांतो जी, 22 साल कम थोड़ी होते हैं सर, 22 सालों में अगर इच्छा शक्ति होती सरकारों की तो आदिवासियों की तस्वीर तकदीर जरूर बदलती, लेकिन सियासत से फुर्सत नहीं है दोनों ही पार्टियों को। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से आदिवासी समाज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है इसके लिए सभी पार्टियों को जिम्मेदार आप मानते हैं? आपको लगता है कि सिर्फ बड़े बड़े कार्यक्रम करने से हम ये नहीं दिखा देंगे कि हम आदिवासियों के पक्ष में उनके लिए योजनाएं चला रहे हैं, उनके भले के लिए काम कर रहे हैं? असल तस्वीर अगर देखते हैं सुशांतो जी, आज भी इन 20-22 वर्षों में तो बहुत दुख होता है जी, निश्चित कि सरकारें कहती कुछ है करती कुछ है और वोट लेने के बाद भूल जाती हैं उस समाज के दर्द को। निश्चित 100% कोई भी सरकार, देखिए भाजपा भी नहीं कर पाए, अभी की सरकार चल रही है ये भी कुछ कर नहीं पाए, कर इस तरह से पाए हैं कि कुछ हमारे जमीन आदिवासियों की जमीन किस तरह से सरकार ने, दोनों सरकार ने जो जगह जहां जरूरत पड़ा उन्होंने ले लिया, लेकिन इसके एवज में उसे क्या मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, एकदम खाली नील है। लेकिन एक भरोसा देश में जागी है आदिवासियों की, 13 से 14 करोड़ आदिवासियों की, एक चीज तो जरूरी है कि भाई अब सर्वोच्च आई हुई है, अब विराजमान है, उनके चलते हमारे कुछ विकास होंगे और हमें निश्चित तौर पर हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति के पास द्रौपदी मुर्मू जी के पास 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की संरक्षक है, वो ये सबसे बड़ी महान काम है हमारे यहाँ पर। देश की राष्ट्रपति के पास इतनी बड़ी ताकत है कि इनको संरक्षक में जो जो उनके साथ है वो कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और साथ 13 से 14 करोड़ आदिवासियों को इस भरोसा में है कि हमारे पक्ष में बात होगी, क्योंकि एक संथाली महिला पहली बार 75 साल में पहली बार देश की राष्ट्रपति बनी है, एक आदिवासी महिला, इसको निश्चित तौर पर हमारे काम आएंगे। अगर ये काम ना आए, जैसे देखिए हमारे अभी सरना कोड, सरना धर्म कोड झारखंड से पास कराया गया, पूरे देश से आए हुए उनके ट्रेबुल पर वो रखी हुई है, उसे कितना दिन में पास होते हैं और इनके अधिकार कैसे मिलेंगे, ये सब सारा काम, और जमीन जो कंपनियां गलत तरीका से लूटी गई है तरीका से लिए हैं, उस जमीन को कैसे आपस उनके पक्ष में आए, किसानों के पास आए, आदिवासियों के 21 लाख एकड़ जमीन हमारे सिर्फ झारखंड से 21 लाख एकड़ जमीन को बांट दिए गए थे, अब नोटिफिकेशन करा के ये जमीन आस्ते आस्ते आ रहे हैं, लेकिन ये कम है। हमें लगता है कि इसमें हमारे राष्ट्रपति को लगने की जरूरत है और ये लगेंगे हमें, क्योंकि पता है निश्चित तौर पर आगे भी हमने देखा टीएनटी एसपीटी पर भी एक कानून लाई थी पिछली सरकार, उनको ये आपस कर दिए, इसके चलते भरोसा है 13 से 14 करोड़ आदिवासियों की भरोसा है और वो भरोसा निश्चित नहीं टूटेंगे। आदिवासियों के कुछ काम हुए हैं, ऐसा ना बोले कि नहीं हुए हैं। अब पहले गांव से शहर आने के लिए जो 2 घंटा लगता था 20 मिनट में आते हैं, कुछ काम हुए हैं लेकिन उनके पक्ष में नहीं हुए, उनको नौकरी चाकरी में जो अधिकार मिलनी चाहिए वो नहीं। ठीक है तिवारी जी, अब आप बोलिए। हाँ देखिए किस समय हमारा समय समाप्त हो जाएगा बोलने का, हम चाहेंगे कि पहले सबसे पहले मैं पड़ोसी राज्य के आदरणीय नीतीश कुमार जी को बधाई दूं, धन्यवाद करूं, उनका आभार व्यक्त करूं कि उन्होंने एकदम सही जगह पर आने का काम किया। तिवारी जी आप बहुत खुश हैं लग रहा है उनका, उनको बहुत बहुत बधाई।
ज्यादा खुश मत हुई। नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। वो बगल महाराष्ट्र का करारा जवाब, इसलिए नीतीश कुमार जी को फिर से बधाई। दूसरी बात सुनिए, हम ये निवेदन कर रहे हैं सर कि अभी श्रीमान सरोज सिंह जी कह रहे थे कि हम ये स्वीकार करते हैं कि जितना काम होना चाहिए नहीं किए। हमारी एक मांग है, मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी महोदया से, भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं इस चैनल के माध्यम से, अभी वही कुर्सी पर है, कि एक मानक तय हो। राजनीतिक दल के लोग वोट बटोरने के लिए कहते हैं हम ये करेंगे, एक मानक तय हो जाए कि यदि आपने जो मंचों से घोषणा किया, आप कह रहे हैं कि काम जितना करना चाहिए था हम नहीं कर पाए। मेरा कहना है कि मानक तय हो कि यदि आप अपने कार्यकाल में अगर कोई बात आम जनता से अगर आप वादा किए, आश्वस्त किए, तो ऐसा नहीं कि सत्ता प्राप्ति के बाद सुख सुविधा का उपभोग करें और चलते चलते बाय बाय कर दें और कह दें कि साहब हम तो करना चाहते थे नहीं कर पाए। मेरा कहना है मानदंड तय होना चाहिए। और जहां तक रह गई बात, ये बात मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराता हूं कि जो व्यक्ति, जो राष्ट्रीय दल, जो क्षेत्रीय दल ज्यादा समय तक झारखंड के सत्ता का बागडोर अपने हाथ में लिया, वो ज्यादा जिम्मेदार है। जो कम समय रहे वो भी जिम्मेदार है, लेकिन कम जिम्मेदार है। प्रतिशत के तौर पर बीजेपी ज्यादा दोषी है। आदिवासियों की स्थिति को अब तक सही स्तर पर नहीं उठाने के लिए हम भी जिम्मेदार हैं, लेकिन हमारा पार्ट छोटा है। हम छोटे पार्ट से जिम्मेदार हैं। हम राष्ट्रीय राजनीति में, हम जो दिल्ली के तख्त को हमने बहुत दिन तक सत्ता प्राप्त किया, कांग्रेस पार्टी उसका नेतृत्व करती थी। माननीय महोदय, अगर राष्ट्रीय स्तर पर देश का, जिस दिन आजाद हम हुए थे सुई नहीं बनता था भारत में, हम कितने आगे बढ़े इसका मानक मानदंड आप नाप सकते हैं, थर्मामीटर लगा सकते हैं, सब बुद्धिजीवी है, देश अब बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन झारखंड जब से अलग हुआ तब से अधिकांश समय आप कहेंगे कि बिहार में तो आपकी सत्ता थी, हाँ थी, लेकिन बिहार में पूरे बिहार, अविभाजित बिहार का सत्ता मेरे हाथ में थी। ये कम जो पटा तो ऐसा इसका ऐसा न हो तिवारी जी, कुछ दिन बाद आप सरोज जी को ही बधाई देने लगे। अधिकांश समय तक बीजेपी रही मेरे भाई, इसलिए बीजेपी ज्यादा उत्तरदायी है। कम उत्तरदायी मैं भी हूँ। हम जिस गठबंधन में है, 2.5 साल 3 साल से हमारी सरकार चल रही है। हम कोरोना में प्रभावित थे, कोरोना से निकले, तो देखे एक नई परिस्थिति ईश्वर ने पैदा कर दिया, वो भी ईश्वर का पैदा किया हुआ था, आप फिर पैदा हो गया, झारखंड फिर सुखाड़ की ओर चला। अब सरकार सुखाड़ से जूझेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आदिवासियों के विकास के लिए अब तो मैंने बहुत अच्छी बात सुशांतो मुखर्जी, आदरणीय मुखर्जी जी ने कहा कि अब राष्ट्रपति महोदया बैठ गई हैं, अब वो उधर से, उन्होंने ये भी कहा कि जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि झारखंड में जो भी सत्ताधारी दल होगा उनको कुछ को अपने मन से और कुछ राष्ट्रपति महोदय के निर्देशानुसार धरातल पर उतारना पड़ेगा। इसलिए हमारा निवेदन ठीक है। हेलो सर, ठीक है तिवारी जी, सरोज जी आपसे मैं जवाब लेता हूँ। ये जो एक दूसरे पर हम गेंद ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई उसकी सरकार ने नहीं किया, हमने किया, और हमने किया तो हम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में कुछ और अच्छा होगा, लेकिन 20-22 साल, फिर मेरा वही सवाल है कि कम नहीं होते हैं सरोज जी। इच्छा शक्ति हो, किसी वर्ग के लिए आपको काम करने की इच्छा शक्ति हो, आप उनके मुद्दों को अगर ध्यान में रखते हैं, आप उनसे वादे करते हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर,
एडवर्टाइजमेंट में सब कुछ दिखा दें कि सब कुछ अच्छा है, बड़े बड़े कार्यक्रम कर दें, लेकिन उस वर्ग की जब हकीकत देखी जाती है तो फिर ऐसा लगता है कि ढाक के तीन पार, कुछ हुआ ही नहीं है, जितना होना चाहिए उतना तो हुआ ही नहीं है दरअसल। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको, अभी तो सुशांत जी कितना अच्छा अच्छा बात बोल रहे थे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, और इनकी पार्टी ने ही वोट नहीं दिया, ये कह रहे थे कि हमको बहुत भरोसा है वो काम करेंगे, और इन्होंने ही वोट नहीं दिया, जसवंत सिन्हा जी को वोट दिया इन्होंने, इनके एक विधायक हैं और जसवंत सिन्हा जी को वोट दिया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इनको भरोसा है। अरे उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और जिन पर इनको भरोसा है उनको इन्होंने वोट नहीं दिया। और रह गया सवाल कि कह रहे हैं कि हम बहुत छोटे समय में रहे हैं तिवारी जी शासन में, बीजेपी ज्यादा रही है, अरे बीजेपी के तीन मुख्यमंत्री यहाँ अगर आप बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जी और रघुवर व्यास दास जी को ले लें तो तीनों मिलकर के मुश्किल से, जरा सुन लीजिए ना आप, इतना नॉन स्टॉप बोले जरा सुन लीजिए ना, तीन मुख्यमंत्री बीजेपी के रहे हैं और तीनों मुख्यमंत्री मुश्किल से एकाध कहीं अगर घर उर बनाने के लिए प्लॉट लिए होंगे तो हम नहीं कह सकते हैं वो भी जनरल या कुछ भी, लेकिन आपके मुख्यमंत्री 100 से अधिक प्रॉपर्टी खरीदी है और आदिवासियों के खरीदी है, औने पौने दाम पर खरीदी, आप कम समय में ही इतना लूट लिया उनको, आप तो कम समय में ही इतना उनका विकास कर दिया कि आप कहिए मत, और आप क्या कहिएगा, बात को घुमाइए मत, जितना यहाँ ये बात आप, और रहा सवाल करेंगे हम सत्ता में नहीं रह रहे, 70 साल तक आपके पार्टनर कांग्रेस से लेकर सब लोग सरकार में रहे हैं, तो क्या हाल उनका किया है, अरे जो उनका विकास हुआ है, उनको मान सम्मान मिला है, वो मुख्य धारा में लाने की कोशिश हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बाद से अलग राज्य के निर्माण से लेकर के और अभी तक जो है जितना काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, आप लोगों ने तो उनके ही जमीन को पार्टी को, हाँ जमीन लिखवाने में उनका किसी से कम आप लोग नहीं रहे हैं, वो तो पूरा लिखवा लिए हैं उनका, आदिवासियों को सबसे ज्यादा लूटने का काम किए हैं आपके मुख्यमंत्री, आप विकास का और उनके कल्याण की और उनके उत्थान की बात तो कम से कम आप लोग मत करिए। ठीक है, जाते जाते मैं सुशांत मुखर्जी जाते जाते आपसे समझना चाहता हूं कि 20-22 सालों में अगर स्थिति नहीं बदली तो फिर क्या उम्मीद की जाए सुशांत जी इन राजनीतिक पार्टियों से। देखिए विश्व आदिवासी दिवस में न्याय की बात है, ठीक है, और अधिकार की बात है, ये कैसे मिले उनको देखने की जरूरत थी, ये सरकार को क्या पूरे देश सरकार को ये सोचने की जरूरत थी कि इनके जो न्यायालय में जो मामला फंसी हुई है छोटे छोटे मामले में अगर जेल के अंदर है उसे कैसे न्याय दे, हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उस स्टेज से ये भाषण के साथ कहने की जरूरत थी कि जितने मामले छोटे छोटे आदिवासियों पर लगाए गए हैं उसे सबको हम आपस लेते, ये बोलते थे न्याय होता अधिकार होता। और ये जो अभी जनजातीय महोत्सव कर रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस भूल गए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ट्राइबल रहते हुए जनजातीय उत्सव मना रहे, ये कौन से कहां से आ गया, ये तो कभी नहीं था, कैसे आया, कौन किया, क्या किया, इसे देखने की जरूरत है। जनता नाखुश है, पिछली सरकार से भी खुद नाखुश थी, अभी की सरकार से भी इनका जो इस बार के आदिवासी दिवस बना इस पर नाखुश है, जनता निश्चित इस पर बातें करेंगी। ठीक है तिवारी जी, जाते जाते एक मिनट है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सुशांतो जी ने भी सवाल उठाए, सरोज जी ने भी सवाल उठाए, सच्चाई को आपको समझना होगा, मानना होगा, और वाकई में उस कार्यक्रम बड़े बड़े कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 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 योजनाएं तो पहुंचे ना। आदिवासी के विकास के इशू पर आज डिबेट था, लेकिन सरोज जी कह रहे थे देश में क्या हुआ, 70 साल जब बोलने लगते हैं तो ये वाजपेयी जी, पीपी सिंह जी, आडवाणी, ये तिवारी जी, लगता है ऑडियो खराब हो गया है तिवारी जी का, आपका 70 क्या बात, लगता है सुने नहीं बात तिवारी, आज तबीयत खराब है। चलिए ठीक है, थोड़ा ऑडियो डिस्टर्ब हो गया था बीच में, सुनिए कोई बात नहीं, ठीक है तिवारी जी, तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, माफी चाहता हूँ, मोदी जी का कार्यकाल नहीं तोड़िए, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सरोज जी और सुशांत मुखर्जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, वक्त की कमी चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन सवाल ये था कि विश्व आदि दिवस अस्तित्व की लड़ाई आज भी आदिवासी समाज लड़ रहा है, उनके हक अधिकार किस तरह से उनको मिलेंगे और किन सरकारों ने आदिवासी समाज के लिए कितना काम किया, ये अगर धरातल पर देखा जाए
तो तस्वीर बहुत अलग नजर आती है। इसीलिए आज हमने भी यह सवाल उठाया कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अस्तित्व की लड़ाई अगर हो रही है तो इस पर सरकारें आखिर फिर कर क्या रही हैं। बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं।